तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे एक प्रॉपर गेमिंग वीडियो बना सकते हैं, एक प्रॉपर माइनक्राफ्ट की या फ्री फायर या किसी भी गेम की वीडियो बना सकते हो बिना किसी तरीके। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का लाइक गेम तो मेरा पूरा होगा नहीं, क्योंकि मेरे मतलब बहुत दिनों से व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, फिर भी मैं कंसिस्टेंट हूँ, तो वही है। तो लाइक गेम तो नहीं है, पर यार अगर कोई भी नया बंदा देख रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो गाइस, आज हमारे तरीके शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है ऑडियो। ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आपको इतना बोर नहीं करूँगा जैसे बहुत करते हैं। आपको बस एक सादा सा एयरफोन या हेडफोन लेना है, उसके माइक पर रिकॉर्ड करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पीछे बच्चे ना बोलें। इतना मैं आपको बोर नहीं करूँगा। आपने ये टिप जो है बहुत बार सुनी होगी। इस वीडियो में मैं खाली यही बताऊंगा कि वीडियो अच्छी कैसे बना सकते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट है क्वालिटी। अब जैसे आपका जो आप जैसे यहाँ पर माइनक्राफ्ट खेल रहे हो, तो माइनक्राफ्ट 40 FPS पे चलती है, आपकी मोबाइल पे चलती है। जैसे मेरे में भी 40 FPS पे ही चलती है। तो 40 FPS पे चलती है ना, तो आप क्या करो, 40 अपने रिकॉर्डर में 40 FPS पे रखो, या फिर अगर मोबाइल का इनबिल्ट है तो उसमें तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जब आप किसी भी में रेंडर या एक्सपोर्ट करो, मोबाइल में एक्सपोर्ट होती है, पीसी में रेंडर होती है, तो वहाँ पर भी आप लोग क्या करना कि वही सेम FPS जो आपके गेम के हैं वो आप कर देना। और गाइस, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड साउंड बहुत कम रखना है। और यहाँ पर गाइस, अब हमारा थर्ड और मेन पॉइंट है कि आपको अपने वीडियो को सबसे ज़्यादा फनी बनाना है। और फनी कैसे बनाते हैं, अब यहाँ पर मेरे पास तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट है मीम्स, सेकंड है साउंड इफेक्ट्स, और थर्ड है आपकी कमेंट्री। तो कमेंट्री तो मेन है, कमेंट्री नहीं होगी तो मीम्स और साउंड इफेक्ट्स गंदे लगें। तो कमेंट्री बहुत अच्छी करना ज़रूरी है। कमेंट्री के लिए आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि घर में लोगों को हंसा सकते हो, फिर वही जोक्स या फिर वही चीज़ें आप वीडियो में भी कर सकते हो। उसके बाद आपको साउंड इफेक्ट्स और मीम्स लगाने, जैसे कि ये वाला और ये वाला और ये मीम और ये मेरी पर्सनल फेवरेट मीम। तो ऐसे आप सब जो है मीम्स लगा सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कूल लगते हैं। और आपको फोर्थ पॉइंट ये है, आखिरी फोर्थ पॉइंट ये है कि एडिटिंग। एडिटिंग जितनी अच्छी करेंगे ना, उतना ही मज़ा आएगा लोगों को देखने में। जैसे कभी जूम आउट इफेक्ट, कभी जूम इन इफेक्ट, कभी कोई मीम्स तो आ गई, कभी कोई बीच बीच में आप स्पिन कर सकते हैं, ट्रांजिशंस और वगैरह वगैरह। आप यहाँ पर साथ ही साथ एक सबटाइटल भी लगा सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। तो गाइस, बिना किसी तरीके वीडियो को भी ख़त्म करते हैं।